नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हुए देश के पहले CDS बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों को लेकर के मंथन जारी है कि आखिरकार ये हादसा है या किसी साजिश का हिस्सा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो संसद में बयान दिया है उसमें बताया था कि 12:08 तक हेलीकॉप्टर का ATC से संपर्क था और 12:15 पे उसे वेलिंगटन में लैंड करना था। 7 मिनट का ये गैप था, सिर्फ 7 मिनट की यात्रा थी। आखिरकार उस आखिरी 7 मिनट में क्या हुआ ये देश जानना चाहता है, लेकिन अभी सब कुछ ब्लैक बॉक्स में बंद है। उससे 70% 75% बातें पता चल जाती है। ATC से 12:08 पे जब संपर्क हुआ था तब तक सब कुछ सामान्य था। कुछ भी ऐसी बात नहीं की गई है जिससे लगे कि हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत है। डबल इंजन वाला ये वो हेलीकॉप्टर है जो हर परिस्थिति से निपटना जानता है और जो पायलट जो क्रू मेंबर थे वो बहुत ही अनुभवी थे। फिर 7 मिनट में कुछ तो हुआ। जो दुर्घटना से पहले का वीडियो आया है, तुरंत पहले का, उसमें इतना दिख रहा है कि बादल और कोहरे के बीच कहीं ना कहीं वो हेलीकॉप्टर है, उसमें एंट्री ले रहा। यहीं से जो विशेषज्ञों का है उसी से परिस्थितियों से अंदाजा लगा रहे हैं। तीनों सेनाओं से जुड़े 25 लोग जो है इसकी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लैक बॉक्स कई रिकवरी होगी सब कुछ पता चलेगा तभी पता चलेगा। इस बीच दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जो ब्रह्मचलानी हैं, जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, उनके ट्वीट को लेकर के चाइना का भोपू अखबार जो है ग्लोबल टाइम्स अनर्गल प्रलाप कर रहा है, भारतीय सेना की कार्यप्रणाली पे ही सवाल उठा रहा है। दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो जो इलाका है वो LTTE का गढ़ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि LTTE जो अब शांत पड़ा है और एक तरह से खत्म सा हो गया, लोग मानते हैं लेकिन खत्म नहीं हुआ है, उसका और ISI के लिंक से कुछ ऐसी साजिश की गई हो, कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं? तरह तरह की बातें हो रही है, कुछ भी अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे पहले जानिए वो परिस्थितियाँ और इस हेलीकॉप्टर की खासियत कि इतना जल्दी ये खत्म नहीं हो सकता था। सुनिए रिपोर्ट। देश के पहले CDS बिपिन रावत जिस हादसे का शिकार हुए उसको लेकर के मंथन जारी है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है और 70% से 75% जानकारी वो ब्लैक बॉक्स ही बताएगा। पायलट की जो ATC से अंतिम बातचीत हुई थी 12:08 पे, तब तक सब कुछ सामान्य था। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि MI-17V5 ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है जो ऐसी परिस्थितियों का सामना न कर पाए। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। फॉग की डेंसिटी और विजिबिलिटी की जानकारी पहले ही पायलट को दी जाती है। अगर विजिबिलिटी डाउन है तो फ्लाइंग नहीं होगी, या जहां बीच में बेहद ख़राब हो जाता है तो उसके लिए पायलट को पता होता है कि क्या करना है। पायलट तो या तो नियर बाय लैंड करेंगे या वेट करेंगे मौसम ठीक होने की। बहुत कम देरी की ये उड़ान थी इसलिए इसकी संभावना कम दिख रही है। फिर दूसरा सवाल उठता है कि क्या इंजन फेल होने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? इस पे विशेषज्ञों का मानना है कि एक इंजन में इतनी ताकत है कि यह कहीं से भी निकल कर आ सकता है। फिर तो इसमें डबल इंजन था, दोनों एक साथ लगातार काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के समय एक ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा। उड़ान से ठीक पहले हुए उसकी हेलीकॉप्टर की सैंपलिंग की जाती है। अगर किसी कारणवश फ्यूल में ऐसा तत्व आ गया कि एक इंजन बंद हो गया तो दूसरा इंजन बंद नहीं हो सकता, दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। में ये सवाल बहुत गंभीर हो जाता है कि जब 12:15 पे उसे लैंड करना था, 12:08 पे अंतिम बातचीत हुई है, फिर उस आखिरी 7 मिनट में ऐसा क्या हुआ? क्या कोई विस्फोट हुआ है, कोई और बात हुई है? इस पे जो है सबकी नज़र है और देश जानना चाहता है। तो जैसा कि आपने सुना ये खासियत डबल इंजन, दोनों इंजन चालू हालत में बंद नहीं होते हैं, फिर कहाँ जा कर के फंसा, कैसे विस्फोट हुआ या हादसा हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी हैं, BJP के नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि हमारे CDS और जाबाज सैन्य अधिकारियों के साथ कोई साजिश हुई है या हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। ये हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं था जो किसी ऐसी परिस्थिति में इतना जल्दी हादसे का शिकार हो जाए। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।